हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है किंग ऑफ स्नेक। तो चलिए आपका ज्यादा समय लेते हुए मूवी को स्टार्ट करते हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा और कहीं जाइएगा मत। मूवी स्टार्ट होती है एक जंगल से। यहाँ पर एक अजीब चीज जंगल में घूम रही होती है। दो लोग जंगल में लकड़ी काट रहे होते हैं। एक आदमी एक छोटे सांप को पकड़ लेता है। उस लड़के को जंगल में बहुत डर लगता है। वो उसे घर जाने के लिए बोलता है, लेकिन वो आदमी उसका मजाक उड़ाता है। तभी एक अजीब चीज उस लड़के को खा जाती है। थोड़ी देर बाद उस आदमी को लड़के की डेड बॉडी दिखाई देती है और वो बहुत डर जाता है और वहां से भागना चाहता है। तभी उसे एक बहुत बड़े सांप द्वारा खा लिया जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक ट्रेन में, जहाँ पर एक लड़का सिगरेट बेच रहा होता है जिसका नाम है बाओ, और एक आदमी जो कि बहुत कंजूस टाइप का होता है सिगरेट खरीदने से पहले टेस्ट करना चाहता है। एक आदमी जिसका नाम लाओमा है जो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ ट्रेवल कर रहा है। वो जेंगवे को शांत रहने के लिए बोलता है क्योंकि जेंगवे बहुत तेज बात कर रहा होता है। वहां पर जिंगलेन और उसके होने वाले पति शाओयांग को दिखाया जाता है। शाओयांग को थर्ड क्लास डिब्बे से ट्रेवल करना पसंद नहीं है, लेकिन वो जिंगलेन की वजह से ट्रेवल करता है क्योंकि जिंगलेन एक गरीब फैमिली से है और उसकी शादी शाओयांग से होने वाली है। शाओयांग की टीम फर्स्ट क्लास कोच से ट्रेवल करती है। वहां पर एक सोल्जर को एक बहुत बड़ा सांप दिखाई देता है। तभी एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम है मूशेंग, जो कि सांपों से बनी हुई चीजें बेच रहा है। एक सांप अचानक से शाओयांग को काटने वाला होता है। तभी मूशेंग उस सांप को पकड़ लेता है, लेकिन शाओयांग उसका थैंक यू भी नहीं बोलता है। जिंगलेन उसकी तारीफ करती है, ये बात शाओयांग को पसंद नहीं आती। तभी अचानक ट्रेन रुकती है और एक अनजान चीज एक औरत को विंडो से बाहर ले जाती है, और उस विंडो में से बहुत सारे सांप ट्रेन के अंदर आ जाते हैं और सभी पर हमला कर देते हैं। सभी लोग वहां से भागने लग जाते हैं। ट्रेन में हर जगह पर सांप ही सांप होते हैं। वो बच्चा जो सिगरेट बेच रहा था उसे एक सांप काट लेता है और जिंगलेन उसकी हेल्प करती है। मूशेंग और शाओयांग सांपों को मारते हैं। एक सांप लाओमा की वाइफ को भी काट लेता है। मूशेंग सभी को लहसुन को चबाने और उसे थूकने के लिए बोलता है। सभी ऐसा ही करते हैं जिसके कारण सांप वहीं पर रुक जाते हैं। जिंगलेन एक आदमी की हेल्प करती है। तभी वहां पर एंट्री होती है दो मुंह वाले सांप की, जो कि बहुत बड़ा होता है। सभी लोग वहां से भागने लग जाते हैं और वो सांप कुछ लोगों को निगल जाता है। सभी लोग दूसरे डिब्बे में जाने से पहले रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन वो सांप सब कुछ तोड़ता हुआ आगे बढ़ता है। मूशेंग पानी के प्रेशर से उसे रोकने की कोशिश करता है और सभी लोग सोल्जर्स वाले कोच में पहुंच जाते हैं। मीनवाइल पानी खत्म हो जाता है और वो सांप वहां पर भी आ जाता है। सभी लोग ट्रेन के ऊपर से भागते हैं। शाओयांग अपने एक सोल्जर को गोली मार देता है क्योंकि वो सोल्जर घायल था और सांप से नहीं मरना चाहता है। सभी लोग ट्रेन से बाहर भाग जाते हैं, लेकिन सांप उनका पीछा नहीं छोड़ता। तभी मूशेंग उस कंजूस आदमी को बचाता है क्योंकि वो सांप उनका पीछा कर रहा था। सभी लोग घास में आग लगा देते हैं। वो सांप उस आग को क्रॉस नहीं कर पाता और सभी वहां से भाग जाते हैं। कुछ लोगों को सांप ने काट लिया था। वो कंजूस आदमी लालच देकर जहर निकालने के लिए बोलता है। मूशेंग बोलता है कि मेरा गांव पास में ही है और सभी का इलाज वहां पर हो सकता है। तभी शाओयांग बोलता है कि ये सब इसकी चाल है और ये पैसे कमाना चाहता है। जेंगवे बोलता है कि मूशेंग ने हम सभी की जान बचाई है और वो एक बहुत अच्छा आदमी है। जिंगलेन बोलती है कि मुझे मूशेंग पर भरोसा है, और सभी लोग मूशेंग के गांव के लिए निकलते हैं। मूशेंग अपने गांव पहुंचता है और देखता है कि वहां पर सभी लोग या तो घायल हैं या फिर मर गए हैं। मूशेंग जिंगलेन को सभी को पुश्तैनी मंदिर ले जाने के लिए बोलता है और अपने घर अपनी माँ को देखने के लिए जाता है। सभी लोग मंदिर पहुंचते हैं, जहाँ पर जिंगलेन अपने पिता से मिलती है और मूशेंग अपनी माँ से मिलता है। सभी लोग काढ़ा पीते हैं। यहाँ पर एजी को दिखाया जाता है, जो बोलती है कि ये दवाई सिर्फ कुछ समय के लिए आराम देती है, पूरी तरह से किसी को भी ठीक नहीं कर सकती। सभी लोग मूशेंग को ब्लेम करते हैं कि वो सांपों को मारता था और पकड़ता था, इसलिए ये सब कुछ हुआ है। लेकिन मूशेंग बोलता है कि ये सब पहाड़ों और जंगलों को काटकर सड़क बनाने और जंगलों के कम होने के कारण हुआ है। मूशेंग बोलता है कि इस जहर के इलाज के लिए हमें सरपराज घाटी पर जाना होगा और पुष्पराज फूल को ढूंढना होगा। सभी लोग सरपराज घाटी पर जाने के लिए निकलते हैं और बेम्बू बोट से जाते हैं। शाओयांग वाइन पी रहा होता है। तभी वहां पर पानी में उन्हें कुछ दिखाई देता है और शाओयांग उस पर गोलियां चलाता है। वो चीज एक आदमी को ले जाती है। शाओयांग फिर एक बॉम्ब फेंकता है, लेकिन अपनी ही बोट पर गिरा देता है
और सभी पानी में कूदकर अपनी जान बचाते हुए वहां से किनारे पर पहुंचते हैं। म्यूशेंग के पास मैप था, वो गीला हो जाता है। म्यूशेंग बोलता है कि अब हमें सरपराज मंदिर से होते हुए जाना होगा। जिंगलैंड को उस पर भरोसा होता है, वो भी उसके साथ चलती है। फिर सभी उनके पीछे पीछे जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर शाओयांग बोलता है कि हमें दूसरे रास्ते से आना चाहिए था। शाओयांग वहां पर एक सांप के अंडे फोड़ देता है। म्यूशेंग बोलता है कि तुम्हें इन अंडों को नहीं फोड़ना चाहिए था, क्योंकि कोई भी जीव पहले हमला नहीं करता जब तक कि उन्हें भड़काया न जाए। शाओयांग वहां पर पेशाब कर देता है, एक सांप उसके बट को काट लेता है। म्यूशेंग उसका इलाज करता है, लेकिन जहर चूसने के लिए कोई भी रेडी नहीं होता है। तभी जिगलैन इसके लिए रेडी होती है, लेकिन म्यूशेंग उसे रोक देता है और उसका इलाज कर देता है और बोलता है कि मुझे इसके बदले 10 चांदी के सिक्के दे देना। जेंगवे को पेड़ों पर कुछ दिखाई देता है, एजी बोलती है कि ये ब्लैक विडोज हैं और सभी लोग शांत रहना। तभी वहां पर कुछ विडोज नीचे गिर जाती हैं। देखते ही देखते सभी विडोज उनकी तरफ बढ़ने लगती हैं। सभी लोग उनसे बचने के लिए अपने अपने हथियार यूज करते हैं, लेकिन वो इतनी ज्यादा होती हैं कि उन्हें चारों तरफ से घेर लेती हैं। तभी म्यूशेंग अपने चारों ओर आग लगा देता है और सभी वहां से निकल जाते हैं, लेकिन एक सोल्जर को विडोज मार देती हैं। सभी लोग नागराज टेम्पल पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें कुछ फोटोज दिखाई देते हैं। म्यूशेंग बोलता है कि ये सांपों के भगवान हैं और बताता है कि बहुत सालों पहले यांगेन गांव के लोग इनकी पूजा करते थे और उन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। 7 जुलाई को वो इस फेस्टिवल को मनाते थे, लेकिन 10 साल पहले सांपों के प्रकोप के कारण सभी ने यहाँ पर आना बंद कर दिया, इसलिए नागराज मंदिर को सभी ने छोड़ दिया था। जिगलैंड को ब्लैक विडो ने काट लिया था और उसने किसी को नहीं बताया था। म्यूशेंग जिगलैंड को ठीक करने के लिए गर्म पानी से नहाने के लिए बोलता है। एजी जिंगलैंड की हेल्प करती है। एजी बोलती है कि तुम बहुत बहादुर लड़की हो। एक आदमी बाहर से जिगलैंड को देख रहा होता है, वो पानी में एक सांप छोड़ देता है। जिगलैंड चिल्लाती है और वहां पर म्यूशेंग आता है और उस सांप को शाओयांग के ऊपर फेंक देता है। शाओयांग बोलता है कि तुमने सब कुछ देख लिया और मैंने कुछ भी नहीं। शाओयांग म्यूशेंग से फाइट करता है और रोता भी है। म्यूशेंग बोलता है कि अपनी एनर्जी बचा के रखो, क्योंकि हमें अभी बहुत दूर जाना है। शाओयांग म्यूशेंग से पूछता है कि क्या तुम जिगलैंड को पसंद करते हो, क्योंकि जिगलैंड के दिमाग में तो तुम ही हो जब से मिले हो। म्यूशेंग बोलता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ। वहां पर कुछ लोग पहरा दे रहे होते हैं, तभी उन्हें एक छोटा सा पुतला दिखाई देता है और सभी डर जाते हैं और उस गेट को बंद कर देते हैं। तभी उन सभी पर हमला होता है और सभी एक जाल में फंस जाते हैं। म्यूशेंग उस जाल को काट देता है और जिगलैंड को ढूंढता है और एक अंडरग्राउंड रास्ते में जाता है, जहां पर उसे शी जियान मिलता है, जिसने जिगलैंड को पकड़ा था, और वो बताता है कि उसने जिगलैंड को देखने के लिए सांप पानी में छोड़ा था। जिगलैंड उसे थप्पड़ मारती है। वो कंजूस आदमी शी जियान से पुष्पराज फूल के बारे में पूछता है। शी जियान बोलता है कि मुझे पता है सरपराज घाटी कहाँ पर है और हम साथ में मिलकर काम करें तो जल्दी वहां तक पहुंच जाएंगे। सभी लोग एक साथ निकलते हैं। सभी लोग जंगल से होते हुए सरपराज घाटी पहुंचते हैं। शीजियान बोलता है कि ये बहुत खतरनाक रास्ता है, थोड़ा होशियार रहना। उस गुफा में उन्हें खूनी बेड भी दिखाई देते हैं। सभी वहां से चुपचाप निकल जाते हैं। उन्हें आगे जाने के लिए एक पुल को पार करना होगा, जो कि बहुत ही बुरी कंडीशन में है। सभी लोग एक एक करके उस पुल को पार करते हैं। मीनवाइल वो कंजूस आदमी पुल के ऊपर गिर जाता है और उसके सारे पैसे गिर जाते हैं। कुछ देर बाद सभी बेट वहां पर आ जाते हैं। शाओयांग के सोल्जर उन बैट से लड़ते हैं और मर जाते हैं। शाओयांग उनके मरने से बहुत दुखी होता है। शीजियान बोलता है जिसे डर लग रहा है वो यहाँ से वापस जा सकता है। सभी लोग आगे बढ़ते हैं। वहां से सभी लोग दो ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर दो रास्ते हैं। म्यूशेंग और उनकी टीम को पुष्पराज फूल मिल जाते हैं। म्यूशेंग शाओयांग को सभी को बुलाने के लिए बोलता है। दूसरी टीम का सामना बहुत बड़े सांप से होता है, जो कि लाओमा की एक हाथ को खा जाता है। एजी वहां से उन्हें जाने के लिए बोलती है, लेकिन सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। एजी उस सांप पर तीर चलाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो सांप बहुत बड़ा होता है, और इस फाइट में एजी घायल हो जाती है और उन दोनों को वहां से बाहर निकालने में सफल हो जाती है, लेकिन वो सांप एजी को मार देता है। मीनवाइल वो कंजूस आदमी म्यूशेंग से सभी फूल लाने के लिए बोलता है। तभी वहां पर शी जियान आता है, जिसने शाओयांग के पैर में गोली मार दी है। वो जिंगलैन को मारने की धमकी देता है और बोलता है कि उस बड़े सांप ने सभी को मार दिया। और फिर म्यूशेंग
शीजियान को दे देता है और शीजियान उस कंजूस आदमी को मार देता है और बड़ा सांप शीजियान को खा जाता है और वो तीनों लोग वहाँ से भागते हैं और सांप उनका पीछा करता है। शाओयांग उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए बोलता है क्योंकि उसके पैर में गोली लग गई है और वो ज्यादा दूर तक नहीं चल सकता है। शाओयांग एक बॉम्ब के साथ उस सांप को उड़ा देता है लेकिन सांप को कुछ नहीं होता है। तभी वहाँ पर लाओमा और जेंगवे आते हैं। सांप जेंगवे को एक ही वार में बेहोश कर देता है और लाओमा उससे लड़ता है और मरने से पहले जिंगलैन को बोलता है कि मेरी पत्नी से बोलना कि मेरे बच्चे का नाम यांगेन रखे। मूशांग सांप को फूल दिखाता है और सांप उस पर हमला करता है लेकिन जिंगलैन उस फूल को लेकर भागती है और मूशांग की जान बचा लेती है। सांप जिंगलैन का पीछा करता है तभी मूशांग वहां पर आता है और गोल गोल घूम के सांप को फंसा देता है और सांप अपनी ही पूंछ को काट लेता है। मूशांग उसे अपनी तलवार से मार देता है और वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। सभी लोग उस गांव में बहुत से पेड़ लगाते हैं। दोस्तों कैसी लगी वीडियो, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कमेंट।